वेलकम गाइस स्वागत है आपका एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल में आज का मेकअप लुक होने वाला है लॉन्ग लास्टिंग फुल कवरेज फ्लॉलेस मेकअप बेस स्पेशली फॉर द बिगनर्स यस ये फ्लॉलेस मेकअप बेस हम अचीव करेंगे विदाउट यूजिंग एनी शेड ऑफ कलर करेक्टिंग हम डार्क सर्कल्स एंड अनइवन स्किन टोन को कैंसल आउट करने के लिए डिफरेंट शेड्स के कलर करेटर का यूज करते हैं टू अवॉइड डार्क एंड ग्रे मेकअप बेस बट बिगनर्स के लिए काफी मुश्किल होता है डिफरेंट शेड के कलर करेटर को चूज करना उसे अप्लाई करना उसे फिर हाइट करना फिर फुल कवरेज अचीव करना फॉर लॉन्ग स्टे के लिए इसलिए ही आज का ये ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ बहुत सारे मेकअप टिप्स ट्रिक्स एंड हैक के साथ सो लेट्स गेट स्टार्ट अच्छे सीटीएम के बाद ही मेकअप की शुरुआत करेंगे तो पहले फेस को क्लीन किया है देन अप्लाई कर रही हूँ टोनर ये प्लम का अल्कोहल फ्री टोनर है आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं सिंपल रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं आपकी स्किन ऑयली है ड्राई है कॉम्बिनेशन है सेंसिटिव है हमेशा अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको सी करना है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है तो मैं मामा अर्थ का ऑयल फ्री एप्पल साइडर विनेगर मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ स्किन पर इसे अच्छे से अब्सार्व होने देंगे नॉन स्टिकी फॉर्मूला है और सिर्फ टू स्टेप में ही हमारे स्किन वेल हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज हो गई स्किन केयर एंड मेकअप के बीच में हमेशा टू मिनट्स का गैप जरूर होना ही चाहिए फॉर गुड मेकअप बेस पैक का जीरो पोर प्रामर यूज किया है दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप प्राइमर बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता है एंड परफेक्ट है फॉर मेक योर पोर्स एंड फाइन लाइन ब्लर एंड गिवस यू स्मूथ टेक्सचर प्राइमर की क्वांटिटी रखनी है कम इसे पूरे फेस पर अप्लाई किया है स्पेशली अराउंड आईज एंड ऑन लाफ लाइन्स को स्किन पर सेटल होने के लिए एक दो तो मिनट लगते हैं अब हमें अपने अन्य स्किन टोन को कैंसिल आउट करना है इसके लिए नो एनी कलर करेक्टर इसे दूर रखेंगे अब हम यूज करेंगे दो शेड के कंसीलर जो आपके स्किन टोन से डार्क हो और एक जो आपके स्किन टोन से लाइटर हो इसके लिए लिया है लॉरियल इनफेलेबल फुल कवरेज कंसीलर शेड है एलमंड जो इस ब्रांड का सबसे डार्क शेड है नीट मोर डार्क शेड फ्रॉम द ब्रांड बट अब जो है यही है एक दो शेड और डार्क होता ना कंसीलर का शेड तो और ज्यादा अच्छा होता बट कोई नहीं इसी के साथ ही काम करना पड़ेगा आप चाहे तो किसी और ब्रांड का भी कंसीलर यूज कर सकते हैं लाइट एंड डार्क शेड यहाँ मैंने डार्क शेड कंसीलर का यूज किया है ओनली ऑन माय डार्क सर्कल्स अनुन स्किन टोन पर और इसे ब्लेंड किया है पैक के कंसीलर ब्रश से जब भी मुझे ज्यादा कवरेज और फुल कवरेज चाहिए होता है ना तो मैं ब्रशेस का यूज करती हूँ नॉट ब्यूटी ब्लेंडर का क्यूँकि ब्यूटी ब्लैंडर ना प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं बट नॉट ब्रशेस ब्रशेस हमेशा कम प्रोडक्ट में आपको ज्यादा कवरेज देते हैं अंडर आई मैंने डार्क कंसीलर को थोड़ा सा रे अप्लाई किया है टू हाइड माई डार्क

फाउंडेशन ब्रश का भी यूज करती हूँ और मैं अभी यूज कर रही हूँ मार्स फाउंडेशन ब्रश और मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखा क्योंकि ये थर्टी आवर्स वेरबल लूमी मैट फाउंडेशन है तो ये आपको फिनिशिंग देता है नॉट ड्राई पैची फिनिशिंग नेक्स्ट यूज कर करी हूँ अप्लाई करना है फेस के हाईलाइट एरियाज पर और अपर आईलेट पर अच्छे से अप्लाई करना है क्योंकि हम आई शेडोज अपलाई करेंगे उसके लिए अपर आईलेट का अच्छे से कंसिल होना बहुत जरूरी है ब्लेंडिंग के लिए कंसिलर ब्रश का यूज किया और बहुत हल्के हाथों से हम टैप टैप करते हुए इसे ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग आप इंस्टेंटली देख सकते हो डिफरेंस की हाईलाइटिंग करना कितना जरूरी है फॉर हाईलाइटिंग लाइट कंसीलर ब्लेंडिंग के बाद आपको कुछ ऐसा फुल कवरेज फ्लॉलेस फिनिशिंग मिलेगा जिसे सेट करने के लिए हम यूज करेंगे मे ब्लिन फिटमी पाउडर मैंने यहाँ लूज पाउडर का यूज किया है नॉट कॉम्पैक्ट पाउडर का क्योंकि लूज पाउडर आपके फुल कवरेज बेस को ज्यादा लॉन्ग वेयर बनाता है पाउडर अप्लाई करने के लिए मैंने पफ का यूज किया है अगर अभी तक आप पफ का यूज नहीं करते तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए यू गोन लव इट हल्का सा प्रेशर देते हुए मैंने अप्लाई किया है पाउडर जिससे ये मेरे बेस को अच्छे से सेट कर दे दोनों साइड पर आप लिटरली डिफरेंस देख सकते हो हमेशा अपने क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही पाउडर से सेट करना चाहिए जब तक पाउडर सेटिंग नहीं होता है बेस पर क्रीज लाइनें आती रहती हैं तो फेस को अच्छे से सेट से करना पाउडर से बहुत जरूरी होता है उसके बाद बेस को लॉक करना भी बहुत जरूरी है गाइज अभी आप देख सकते हो फिनिशिंग नो फाइन लाइन्स नो लाफ लाइन्स ओनली फ्लॉलेस फिनिशिंग हर बार आईब्रो टूटोरियल शेयर करती हूँ तो इस बार फटाफट दिखा देती हूँ मैंने वेटन वाल का आईब्रो किट यूज किया है बेस्ट फॉर द बिगनेस आई डो के लिए मैंने रेवोल्यूशन का आई पैलेट लिया है पहले पिंक शेड को पिक किया है आई ब्लेंडिंग ब्रश पर इसे क्रीज लाइन पर प्लेस किया है देन सर्कुलर मोशन पर हम इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड कर लेंगे देन क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम एजेस को ब्लेंड कर लेंगे टू मेक योर आई मोर ब्लेंडेबल एंड प्रोफेशनल लुक अलाइक कुछ इस तरह का स्किन शेड पिक करेंगे ब्लेंडिंग ब्रश पर इसे पिंक शेड के एजेस पर अप्लाई करेंगे एंड सर्कुलर मोशन पर इसे ब्लेंड कर लेंगे अभी आप देख सकते हो बहुत साइड विजिबल डिफरेंस नेक्स्ट मैंने पिक किया है मैट पर्पल शेड फ्लैट ब्रश की हेल्प से अंडर क्रीज लाइन हम इसे पूरे आई पर अप्लाई कर लेंगे एंड क्रीज लाइन को भी हम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे अगेन पर्पल शेड को पूरे आई पर री अप्लाई करेंगे टू मेक इट मोर पिगमेंटेड आज का आई लुक बिल्कुल मैट आई लुक होगा कोई भी शिमर एंड ग्लिटर अप्लाई नहीं करूंगी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पर मैंने पिंक शेड पिक किया है उसे लोअर आइस पर अप्लाई करेंगे ब्लेंड करेंगे देन अप्लाई करेंगे न्यू स्किन शेड और इसे हम अप्लाई करेंगे पिंक शेड के एजेस पर उससे ब्लेंड करेंगे जिससे पिंक शेड ओवर ना दिखे काजल के लिए मामा अर्थ का स्मर्ज प्रूफ काजल लिया और इसकी हेल्प से हम अपर वाटर लाइन पर सिर्फ काजल अप्लाई करेंगे जो लोअर आईस पर बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक आई शेडो पिक करने के लिए मैंने थिन एंगलर ब्रश का यूज किया है आप थिन फ्लैट ब्रश का भी यूज कर सकते हैं और ब्लैक आई शेडो को लोअर लैश लाइन पर, पर अप्लाई करेंगे वो भी हाफ अप्लाई किया है मैंने नॉट इनर कॉर्नर तक देन यूज करेंगे हम न्यूड आई पेंसिल फ्रॉम द ब्रांड पैक मुझे ना न्यूड काजल लुक ज्यादा अच्छा लगता है कम्पेयर टू व्हाइट काजल लुक नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेटेिक लिक्विड आई दो एंड थेन फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे इनर कॉर्नर से मिडल लैश लाइन तक लगाना है ये इंस्टेंटली आपके आई लुक को पॉप करता है टू मेक इट मोर ग्लैमर क्योंकि आज का आई लुक मैट है तो थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करना बनता है मेटेलिक शेड ज्यादा दिखे तो न्यूड आई की हेल्प से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं विंग लाइनर अप्लाई करके आई लुक को डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगी थे लाइनर अप्लाई किया है देन अपलाई किया मस्कारा अपर लोअर लैशेस पर पॉइंटेड ब्रश पर मैंने पिक किया पिंक शेड और इसके हेल्प से इसे हम अप्लाई करेंगे इनर कॉर्नर पर टू मेक आई लुक मोर कलरफुल

फिटमी पाउडर ब्लश यूज करी शेड है प्राउड जब भी मुझे कोई शेड समझ में नहीं आता है ब्लश का तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ ये सबके साथ चला जाता है शुगर हाईलाइटिंग पैलेट लिया है इसमें से जो सबसे सेटल वाला शेड है ना मैंने उसका यूज किया है अगर आप बिगनर है ना तो फ्लपी वाले आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हाईलाइटर अप्लाई करे कभी भी ये मैस नहीं होंगे जहाँ लगाना चाहते हैं सिर्फ वही लगेगा क्योंकि मैट आई लुक है ना तो पैलेट में जो सबसे ज्यादा चमकने वाला हाईलाइटर है ना मैंने उसका यूज किया है अंडर आईब्रोज तो ये है सॉफ्ट लुक ऑफ ब्रॉन्जिंग शेड है सैंडी पिंक न्यूट शेड है बहुत खूबसूरत लिप कलर के लिए जस्ट हब का लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ ये मिनी पैकेजिंग है इसका जो शेड है वो फूसिया पर्ल है जो मेरे आई लुक के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एट लास्ट यूज कर रही हूँ इनर कॉर्नर पर हाईलाइटर तो ये है हमारा नो कलर करेक्टिंग फुल कवरेज फ्लॉलेस मेकअप लुक ड्यूरिंग मेकअप आपको मेरा बेस बहुत वाइट लग रहा होगा मुझे भी लग रहा था बट अभी आप देखो आफ्टर मेकअप ये सेटल हो गया कम्पलीटली क्योंकि हमने ब्रॉन्जिंग ब्लशिंग वगैरह अप्लाई किया है तो हमेशा टोन डाउन हो ही जाता है इसलिए जब भी आप फुल कवरेज मेकअप करते हैं तो एक शेड लाइटर फाउंडेशन एंड कंसीलर का यूज कर सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियोस को देखने के लिए पसंद करने के लिए दिल से धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय